साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। गुजरात में पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में भाजपा ताबड़तोड़ प्रचार करने में जुटी हुई है। पीएम मोदी भी तूफानी प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान मोदी ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस को आड़े हाथ ले लिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गुजरात विधानसभा का पहले चरण का मतदान हो चुका है और 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होना है। ऐसे में भाजपा और उनके नेता पार्टी के लिए धुआंधार प्रचार करने में लगे हुए हैं। पीएम मोदी भी तूफानी प्रचार करने में जुटे हैं। मोदी ने काकरेज और पाटन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। दरअसल पीएम मोदी ने पाटन में एक रैली के दौरान कहा कि कांग्रेस की विशेषता चुनाव के समय मोदी का अपमान करना और मतदान के समय ईवीएम का अपमान करना है। गुजरात के लोगों को बीजेपी पर भरोसा है। उन्होंने आगे कहा कि लटकाना और भटकाना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस का स्वभाव है कि वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसमें उसका अपना हित ना दिखाई देता हो। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो प्रतिदिन कांग्रेस को 4 क्विंटल गालियां देते हैं और सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित पार्टी के नेताओं पर हमला बोलते हैं। बता दें कि पीएम मोदी के अहमदाबाद रोड शो में 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए थे, जिसको लेकर सूत्रों ने दावा किया है कि पीएम की देश में सबसे बड़े और लंबे रोड शो में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। 50 किलोमीटर से ज्यादा लंबे रोड शो 14 विधानसभा सीट से होकर गुजरा था। रोड शो के दौरान अहमदाबाद की सड़कों पर महिला, पुरुष, युवा और बच्चों का भारी जनसैलाब उमड़ा था, जो देर शाम तक जमा रहा। खैर, गुजरात विधानसभा चुनाव में रैली और वार पलटवार का सिलसिला जारी है, पर ये तो आने वाला 8 दिसंबर ही बताएगा कि कौन किस पे भारी है। खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।